तो लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग दूसरे जगहों पर फंस गए। इनमें प्रवासी मजदूर और तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की और इसी के मुताबिक अब दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घर वापस जा सकेंगे। तो झारखंड में प्रवासी की वापसी पर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी तालमेल को लेकर के बहस पहले से ही छिड़ी हुई थी। अब देखिए इस रिपोर्ट को आप। झारखंड के प्रवासी मजदूर और छात्र जो बाहर फंसे हुए हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी। वहीं झारखंड सरकार ने भी छात्र और मजदूरों की घर वापसी को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें केंद्र सरकार से छात्र, मजदूरों और पर्यटकों को वापस लाने में सहयोग लेना होगा। हजारों बसें छात्रों और मजदूरों को लाने के लिए चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार की मदद बहुत ही आवश्यक है। राज्य सरकार इसके लिए सक्षम नहीं है। सीमित संसाधनों में उन्हें कैसे लाया जा सकता है? इस पर कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे। केंद्र से भी सहयोग हम लेंगे, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमने शुरू से भी ये कहा है कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे। राज्य सरकार सक्षम नहीं है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का दावा है कि 8 लाख से ज्यादा मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। पंचायत स्तर तक सभी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। इसके लिए केंद्र और राज्य को मिलकर चलना होगा। हम सिर्फ मजदूरों को वापस लाएंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें यहाँ रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। बस से संभव नहीं है जब तक रेलवे उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि 8 लाख प्रवासी मजदूरों का मामला है। ये सरकार चाहती है कि मजदूरों को लाना है, सुरक्षित रहना है और सुरक्षित रखना भी है, रोजगार भी देना है, लेकिन भारत सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्पेशल ट्रेन की मांग की है। मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर भी बसों की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलता, कुछ चीजों को प्रैक्टिकली भी करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी कार्य योजना बनाई गई है। जो गांव के मुखिया हैं, वो पंचायत भवन में लोगों को क्वारंटीन करेंगे, जहां रहने खाने की व्यवस्था होगी। हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो भारत सरकार को चाहिए कि कुछ स्पेशल ट्रेन, कम से कम 150-200 स्पेशल ट्रेन चलाकर हमारे जहां जहां पर फंसे हुए लोग हैं, अप्रवासी मजदूर हैं, जहां हमारे स्टूडेंट हैं, उन लोगों को हमारे तक पहुंचाए। पूरे मामले पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इन मजदूरों और छात्रों को लाने की अनुमति दी है, उसी तरह ट्रेन और बस की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बात से थोड़ा असहमत हूं कि जैसे बसों से और एक सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए दूर, बहुत बहुत दूर में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, दूर के राज्यों में हमारे मजदूर फंसे पड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए तो हजारों बसों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं प्रवासी छात्र मजदूरों को वापस लाने के मुद्दे पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पहले राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों और छात्रों की घर वापसी को लेकर केंद्र की अनुमति का बहाना बना रही थी और अब इजाजत मिलने के बाद केंद्र से इनकी घर वापसी के लिए सहयोग मांग रही है। इससे बेहतर होता कि राज्य सरकार केंद्र के सामने अपने दोनों हाथ खड़े कर देती। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी सरकार को घेरा। पूरे मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी केंद्र सरकार से मदद की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिना केंद्र की मदद के लोगों को वापस लाने में बहुत दिक्कत होगी। देखिए, मैंने कहा कि केंद्र का सपोर्ट तो मिला, लेकिन इनको प्रयास करनी चाहिए भाई, इनको लाने के लिए तो पहल करनी चाहिए। ये तो पहले कह रहे थे कि भाई हमको परमिशन मिले, गाइडलाइन केंद्र सरकार जारी करे। अब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया तो आप कह रहा है कि भाई केंद्र की सहयोग चाहिए। तो पहले गाइडलाइन क्या मांग रहे थे? पहले तो वही कहते कि भाई हम नहीं ला सकते हैं। हम कह सकते हैं ना, प्रतिबद्धता है कि वहां से लोगों को लाए, और लगातार वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा करके अपने असफलता को छुपाना चाहती है। अगर वो असफल है वहां से लोगों को लाने के लिए, तो सार्वजनिक रूप से जनता के सामने कहें,
कि ये असफल सरकार के असफल मुखिया हैं। छात्र मजदूरों की घर वापसी पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासत शुरू हो गई है। देखना होगा कि दोनों सरकारों के बीच कब आपसी तालमेल बैठता है। अभिषेक, कामरान, मदन और मनीष मेहता की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।